हार तो गए मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और इंजरी भी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से नाबी केटा जाना चाहते हैं डॉर्टमंड। ऐसी न्यूज़ आई है कि नाबी केटा को ट्रांसफ़र चाहिए। सो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो हाई गाइज, माई नेम इज दर्शन, वेलकम टू न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सिचुएशन ये है कि नाबी केटा अनहैप्पी है और उनको एक ऐसे क्लब में जाना है जहाँ पर उनको गारंटेड गेम टाइम मिले। प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादातर इंजर्ड रहते हैं, इसलिए अपने क्लब में उनको ज़्यादातर गेम टाइम नहीं मिला। सो इंटरेस्टेड क्लब दो है, एक तो उनका फॉर्मल क्लब जहाँ से हमने उनको साइन किया था आरबी लेप्ज़िग, और उसके अलावा है डॉर्टमंड। सो दोनों क्लब इंटरेस्टेड है। कोई ऐसे न्यूज़ नहीं आई है कि किसी ने ऑफ़र की या फिर किसी ने ट्रांसफ़र की जो फॉर्मेलिटी है वो स्टार्ट की है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। सिर्फ इंटरेस्टेड ऐसी न्यूज़ आई है। मगर ये डील होती है तो लिवरपूल एक नया मिडफील्डर इस विंडो में साइन कर सकता है, और मेरे ओपिनियन में लिवरपूल को इस विंडो में नाबी केटा को सेल करके नए मिडफील्डर को साइन कर देना चाहिए, क्योंकि नाबी केटा पे हम रिलाय नहीं कर सकते। आप देखिए कितनी बार हमने उनको चांस दिया, आप ऐसा होप करते हो कि वो आएंगे फिर से खेलेंगे, मगर 3-4 मैच के बाद फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। सो वी कैन नॉट रिलाय ऑन नाबी केटा फॉर अ सक्सेसफुल टाइटल चैलेंज। हमें अगर अभी भी टाइटल चैलेंज करना है तो एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो हर दम अवेलेबल हो। हाँ, खेले ना खेले वो अलग बात है, स्क्वाड में तो हो जिससे हम रोटेट कर सके, किसी इंपॉर्टेंट प्लेयर को रेस्ट कर सके। सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे प्लेयर हैं जो लिंक हुए हैं, उनके बारे में मैं अब बात करूँगा जो नाबी केटा को रिप्लेस कर सकते हैं अगर उनको सेल हमने किया तो। सो सबसे पहला नाम है उसमें मोइसेस काइसीडो का, जो अभी लेस्टर में ब्राइटन में खेलते हैं, 20 साल के हैं और एक्वाडोर के प्लेयर हैं। बहुत ही अच्छे प्लेयर है। लगभग 2 साल पहले लिवरपूल उनको स्काउट कर रहे थे जब वो 19-18 के थे तब, और लास्ट ईयर मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, ब्राइटन और उसके अलावा साउथहैम्पटन, वो सभी क्लब उनको साइन करना चाहते थे, मगर ब्राइटन ने उनको ज़्यादा गेम टाइम ऑफर करके साइन किया था लास्ट टाइम, उसके बाद उन्होंने लोन पे भेज दिया था, और इस साल ब्राइटन के तीनों मैच में वो उन्होंने स्टार्ट किया है। 20 साल के हैं, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर कह सकते हैं। बहुत डेटा उनका अवेलेबल नहीं है जिससे हमें उनकी वीकनेस पता चल सके, मगर पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। आप कह सकते हो कि एनडीडी टाइप के प्लेयर है, 6 पे भी खेल सकते हैं, 8 पे भी खेल सकते हैं। सो एक कंप्लीट यंग प्रोफाइल जो FSG और या फिर आप कह सकते हैं लिवरपूल के मॉडल में फिट बैठती है। उसके अलावा दो नाम ऐसे हैं जो ज़्यादातर न्यूज़ में नहीं आए हैं, मगर FSG के मॉडल को देखकर मुझे लगता है कि वो लिवरपूल उनके पीछे जा सकते हैं। पहला नाम है फाबियन रुइज़ का, जो नापोली के लिए खेल रहे हैं। हाँ, वो इतने यंग नहीं हैं, मगर वो अपने लास्ट ईयर में हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल ख़त्म हो जाएगा। सो जनवरी में उनको फ्री साइन कर सकते हैं, या फिर अभी 13-14 मिलियन की ऑफ़र नापोली एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसी न्यूज़ है। सो वो एक कंप्लीट डिफरेंट टाइप के प्लेयर है, प्रोफाइल उनकी बहुत अलग है। अगर आप देखो तो चेल्सी के जो जॉर्जिनियो हैं उनके जैसे वो प्लेयर है। आप कह सकते हो कि डीप लाइंग प्ले मेकर ज़्यादातर खेलते हैं, नंबर 8 पे खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छा खेल सकते हैं, मगर उनका प्रेफरेंस वो है नंबर 6 पे खेलना। पहला नाम तो बहुत ही ऑब्वियस है कि टेलेमेंस, जो लेस्टर में खेलते हैं, वो भी अपने लास्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में है। लेस्टर बहुत ही कम पैसे उनके लिए मांग रहा है, पता नहीं वो लिवरपूल इंटरेस्टेड है या नहीं, मगर वो एक ऑप्शन बन सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि क्यों लिवरपूल को इस समर में एक मिडफील्डर साइन करना ही चाहिए, उसका वैलिड रीज़न है। मैं कोई हेटर नहीं हूँ हैंडरसन या मिलनर का, और या फिर मैं कोई FSG आउट वाले कैंप में भी नहीं हूँ। मैं प्योरली रैशनल तरीके से सोच रहा हूँ
कि क्यों लिवरपूल को एक मिडफील्डर साइन अभी करना ही चाहिए, वरना तो वो ऑलरेडी ट्रांसफर में पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, हैंडरसन 33 के हो जाएंगे अगले साल, मिलनर, ऑक्सले चेम्बलिन और केटा तीनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है अगले साल। सो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा वैलिड रीजन है अभी कि अपना क्लब इन तीनों में से किसी को भी नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे। सो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगले साल हम इन तीनों प्लेयर को फ्री में खो देंगे, मतलब कि केटा नहीं होगा, ऑक्सले चेम्बलिन नहीं होगा और मिलना नहीं होगा, और उसके अलावा थियागो, हेंडरसन और फाबिनियो तीनों 30 के ऊपर के होंगे। सो अपने पास अवेलेबल यंग प्लेयर जो इंजरी प्रोन ना हो, ऐसा सिर्फ एलियट ही रहेगा। आप कर्टिस जोन्स कह सकते हो, मगर कर्टिस को एक स्क्वाड प्लेयर से ज़्यादा मैं नहीं देखता। और कारवालियो को ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड पर यूज़ करने वाले हैं, ऐसा क्लॉप ने ही कहा है कि वो लेफ्ट विंग पे उनको लुइस डियास के अल्टरनेट के रूप में देखेंगे। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिवरपूल को मिनिमम 2 मिडफील्डर साइन करने पड़ेंगे अगले समर में। सो आपको पिछले 6 सालों की ट्रांसफर एक्टिविटी से एक बात तो पता चल ही गई होगी कि FSG एक साथ 2 मिडफील्डर नहीं साइन कर रहेगा। अगर हमने जूड बेलिंगम साइन कर दिया और उनको साइन करने में जो पैसे जाएंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो एक 25 या 30 मिलियन के भी मिडफील्डर साइन करें। हाँ, कोई फ्री ट्रांसफर मिला तो अलग बात है, मगर उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो लोग 2 मिडफील्डर साइन करेंगे। सो ऑलरेडी हम एक मिडफील्ड पीछे चल रहे हैं। सो अगर हमें अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी हमारी रखनी है, अगर हमें कंसिस्टेंट मैनचेस्टर सिटी को टाइटल के लिए पुश करना है या फिर खुद टाइटल जीतना है, तो एक मिडफील्ड अभी साइन कर दे और दूसरा समर में साइन करेंगे, तो फ्यूचर अपना प्रूफ होगा, लिवरपूल का मिडफील्ड सॉर्टेड होगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि लिवरपूल को नाबी केटा को सेल कर देना चाहिए और एक नया प्लेयर खरीदना चाहिए, या फिर नाबी केटा को चांस देना चाहिए, नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहिए? आपका व्यू कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।